Some parts of this video might be muted due to copyright claim. Hi guys, my name is Tahir Farooq and my name is Sabi Sahil. So guys, you all know that Cricket World Cup जो है वो बिल्कुल करीब आ चुका है. हम 3 से 4 महीने दूर है Cricket World Cup से, because India is hosting the biggest event in the cricket. वो आप कहते हैं शेड्यूल में जो festivals में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो इंडिया होस्ट करेगा वो वर्ल्ड कप ODI मेंस वर्ल्ड कप 2023 which is hosted in India, and we are very excited about India Pakistan matches and all around जो भी फेस्टिवलिटीज होंगी. क्योंकि जब इंडिया में कोई चीज़ होती है तो डबल 4 चांद लग जाते हैं उसको, बिकॉज इंडिया नोज हाउ टू सेलिब्रेट थिंग्स, हाउ टू मेक इट मोर स्पेशल. सो आज हम देखेंगे कि कौन सा, हमने सोचा था कि इतने बड़ा जो फेस्टिवल है उसमें इंडिया के पास स्टेडियम्स की वजह से बहुत मशहूर है इंडिया, बिकॉज इंडिया में बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं. और हम देखेंगे आज के टॉप 10 बिगेस्ट स्टेडियम्स इन इंडिया, और ये हमने लिया है CM स्टेडियम्स के चैनल से, जिसका ऑफिशियल लिंक आपको टॉप ऑफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड द वीडियो कि कौन कौन से स्टेडियम्स हैं इंडिया में, कितने बड़े बड़े हैं. टॉप 10 बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम्स इन इंडिया, एंड दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया में ही है. उड़ीसा में है ये स्टेडियम, और काफी बड़ा है ऑब्वियसली. विदाभा स्टेडियम एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में स्टेडियम है ये. मुझे वो स्टेडियम बड़े जिसमें डबल ट्रिपल ट्रिपल स्टोरीज होती है. 45,000 पीपल. कितना बड़ा स्टेडियम है. JSC इंटरनेशनल स्टेडियम रांची, 50,000 कैपेसिटी इसमें है. ये वेरी इंटरनेशनल टाइप ऑफ स्टेडियम, प्रॉपर फैसिलिटीज इसमें मौजूद होती है. अब एक स्टेडियम चल रहा है. हाँ, जिस स्टेडियम इज लाइक टू हॉस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान अपने कुछ मैचेस यहाँ भी खेल सकता है कह रहे हैं. 50,000 स्टेडियम्स. ये होगा मुंबई का ऐसे इंसान, नहीं नहीं सब वही है चेन्नई का. स्टेडियम वेंतरापुरम कैपेसिटी 5,000. ये काफी कलरफुल है, इतना खूबसूरत है. राजीव गांधी नेशनल स्टेडियम हैदराबाद. शहीद वीर नारायण सिंह नेशनल स्टेडियम उदयपुर रायपुर नंबर 3 पे 65,000 कैपेसिटी है इसकी. 65,400 इधर गार्डन पता है, या पाकिस्तान यहाँ भी खेल सकता है क्या है कोलकाता चेन्नई में. 80,000 जगह तो बहुत है. मेरे जेन से मगर अभी तक लखनऊ वाले नहीं निकला वो बहुत क्या, इसके बाद वो थोड़ा निकल जाएगा जेन से. नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद बहुत प्यारा है. दिस विल होस्ट द फाइनल ऑफ मेरे ख्याल से. इसमें है 1,22,000. ओह माय गॉड. अरे पता होगा कि फुल हो जाएगा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए तो, है ना? Fantastic, बहुत प्यारा, बहुत कलरफुल है. It is a marvel of engineering कह सकते हैं. बहुत जबरदस्त. Thanks for watching.
तो आप लोग को कौन सा स्टेडियम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? वैसे तैयार वाली बात है कि जब लास्ट स्टेडियम हमने देखा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो बाकी सब स्टेडियम फीके पड़ चुके थे उसके आगे, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर, उसकी कलरिंग, उसको लाइक उसकी मैपिंग ही बहुत डिफरेंट है, बहुत खूबसूरत है। जो उसका ड्रोन शूट अभी दिखाया जा रहा था ना, इट वॉज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। जो बाहर से स्टेडियम का जो व्यू था इतना खूबसूरत था, इतना कलरफुल, ऑरेंज ब्लू, बहुत खूबसूरत स्टेडियम। और ईडन गार्डन्स बहुत प्यारा था। अभी लखनऊ वाला जो मैं इससे पहले बात करता कि मुझे वो अच्छा लगा, उसके ना बड़ी अच्छी थी शेप, डोम बना हुआ था हर तरफ से, लेकिन वो अंदर की बजाय बाहर से ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन ये बाहर से एक डिफरेंट लुक दे रहा है, अंदर आके एक डिफरेंट लुक दे रहा है, और कितना ऊंचा भी है, कितना बड़ा है। कैपेसिटी ऑफ 32,000 पे क्या कहते हैं उसको, व्यूअर्स, तो बहुत बड़ी चीज है ये, और अच्छा खासा खूबसूरत भी बना हुआ है। हाँ, इंडियन क्राउड जो है वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बहुत अच्छा वो क्राउड है। इंडिया का क्राउड जो है दुनिया में वो मशहूर है कि वो सेलिब्रेट करते हैं क्रिकेट को, उतनी कोई स्पिरिट क्रिकेट की यहाँ कहीं भी नहीं। जैसे फुटबॉल को तो पूरी दुनिया में वो तो हर लोग करते हैं, लेकिन क्रिकेट की जो स्पिरिट है वो इंडिया में पाई जाती है। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि अगर इस दफ़ा इंडिया में अगर वो होगा तो बहुत अच्छी तरीके से लोग सेलिब्रेट करेंगे उसको, और वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और इसी को मद्देनजर रखते हुए शायद ये स्टेडियम बनाया गया। हाँ, क्योंकि ये स्टेडियम ऐसे बनाया था वर्ल्ड कप को देखते हुए, क्योंकि वर्ल्ड कप आएगा, और आई होप कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो आई थिंक वो हैदराबाद, वो इधर ही अहमदाबाद में अगर होगा, फाइनल तो अहमदाबाद में ही होगा, बिकॉज कोलकाता और चेन्नई तुम कह रहे थे अभी, वो मतलब पाकिस्तान 6-7 मैच खेलते हैं ना, ऑलराइट, 6-7-8-10 मैच भी खेलते हैं, क्योंकि टीम ज़्यादा है ना, तो उस हिसाब से वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या होता है क्या नहीं होता। और हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि आपको इनमें कौन सा स्टेडियम सबसे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज हम तो इनको वीडियोज़ पर देख रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सी आवाम इनको जाके फिजिकली विजिट करके आए हुए होंगे, जो हमारी इंडियन आवाम है। आप लोग हमें बताएं कि आप लोगों का कौन सा फेवरेट स्टेडियम है इसमें से, और आप किसको प्रेफर करते हैं ज़्यादा। ऐसे करके देख रहे हैं, आप लोगों के नजदीक फेवरेट स्टेडियम कौन सा है? मैंने एक स्टेडियम के मुझे मैं कल ट्विटर पे देख रहा था, उस पर मैंने ना एक वेबसाइट ओपन की, तो जी लोगों के कमेंट्स भी आए, बच्चे लोग अपने रिव्यूज देते ना आर्टिकल पे, तो उस पर लिखा होता चेन्नई या लखनऊ, चेन्नई या वो कलकत्ता में पाकिस्तान के मैचेस हो सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि आप लोग मोहाली स्टेडियम क्यों नहीं चूज़ किया, मोहाली स्टेडियम वो मैं यहाँ भी शो नहीं हो रहा। नहीं, वो स्टेडियम तो हमने अभी देखा भी नहीं कहीं पे। मैंने देखा था वो, लेकिन वो इतना थोड़ा बड़ा नहीं था इससे, थोड़ा छोटा था, पर हमारे स्टेडियम से तो बहुत बड़ा है जो हमारे पाकिस्तान में, पर फिर भी थोड़ा छोटा था। हम पंजाब में, तो पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो हर दूसरा तीसरा कमेंट था वाई नॉट मोहाली स्टेडियम, वाई नॉट मोहाली स्टेडियम। और मोहाली स्टेडियम बहुत ज़्यादा फेमस भी है, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो पंजाबी हैं, तो मैं एक अलग ही आपको ना उससे अटैच करता है, अटैचमेंट होती है। सो गाइस, दिस वाज आवर रिएक्शन। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी, ना मुंबई का स्टेडियम था ना दिल्ली का स्टेडियम था। हाँ, ये तो है, मुंबई का भी नहीं था, हालांकि मुंबई तो अच्छा खासा फेमस जगह है इंडिया के लिए, और ना दिल्ली का जिक्र किया गया, ना दिल्ली का जिक्र किया, हैदराबाद का जरूर जिक्र किया गया, हैदराबाद का एक स्टेडियम आया था बीच में, बाकी तकरीबन मेन शहरों के चेन्नई वगैरह, हैदराबाद, कोलकाता इधर भी थे, लेकिन दिल्ली और मुंबई को नहीं शामिल किया गया, मुझे समझ नहीं, बिकॉज स्टेडियम तो हम बड़े होंगे। वी डोंट नो टायर कि माइट बी, ये इन्होंने कैपेसिटी के हिसाब से टॉप 10 चूज किए हैं, ब्यूटी के हिसाब से टॉप 10 चूज किए हैं, किस रेफरेंस से बेसिक चूज किए हैं। मैंने ना रिपोर्ट पूरी पढ़ी थी, उस रिपोर्ट में कह रहे थे कि दिल्ली मुंबई का नाम ही नहीं, मुंबई का तो नाम ही नहीं था कहीं पे। सो गाइस, आप इसके बारे में ज्यादा अच्छी नॉलेज देते हैं, वी विल बी वेटिंग कि आप हमें इस बारे में कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि व्हाई द बीसीसीआई इज नॉट प्रमोटिंग और involving the stadiums of Delhi and Mumbai, because they are very tourist attraction places. और जब कोई बंदा समझो दुनिया भर से लोग वर्ल्ड कप के लिए आते हैं कहीं ना कहीं, तो वो दिल्ली और मुंबई को जरूर देखना पसंद करते हैं, बिकॉज दे आर द लाइम लाइट्स ऑफ द एवरीबॉडी प्रेफर मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। हाँ, दिल्ली को भी देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ मैच ही नहीं है, अगर होंगे तो मेरे में नहीं है, अगर है तो मैं जरूर बताइएगा कि स्टेडियम कौन कौन से इन्वॉल्व है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।